खबर यह है कि निर्भया केस में दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। ये वो केस है जिसके अंजाम का हर किसी को इंतजार है। पूरा देश जानना चाहता है कि निर्भया के दोषियों को आखिर सजा कब मिलेगी। और अब राष्ट्रपति की तरफ से दया याचिका को खारिज कर दिया है, तो एक बार फिर से उम्मीद बंधी है कि जल्द न्याय होगा। निर्भया केस से जुड़ी है बड़ी खबर। तो आपको बता दें कि पवन ने दया याचिका भेजी थी राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोषी पवन की दया याचिका खारिज कर दी गई है और इतना लंबा संघर्ष किया है निर्भया के माता पिता ने, 7 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। निर्भया के माता पिता लगातार कोर्ट जा रहे हैं और दोषियों की तरफ से हर बार नए पैतरे अपनाए जाते हैं। डेथ वारंट 3 बार जारी हो चुका है और एक बार फिर से डेथ वारंट जब रद्द हुआ तो उसके बाद निर्भया के माता पिता काफी उदास नजर आए थे। निर्भया की मां ने कहा था कि सिस्टम जो है उस पर से उनका विश्वास कुछ कम होता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब दोषी पवन की दया याचिका खारिज होने के बाद कह सकते हैं कि एक उम्मीद बंधी है कि जल्द न्याय होगा। निर्भया के दोषी जल्द फांसी पर चढ़ेंगे और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी गई थी और ये केस शुरू होने से लेकर अभी तक दोषियों की तरफ से कानून का बखूबी इस्तेमाल कह सकते हैं कि किया गया है, क्योंकि हर पैतरा इस्तेमाल किया गया और तमाम पैतरों को इस्तेमाल करते हुए दोषी हर बार मौत की सजा से बचते चले गए। फांसी की सजा दी जरूर गई लेकिन इन्हें फांसी पर लटकाया नहीं गया। इनकी तरफ से बार बार कानूनी पैतरों का इस्तेमाल किया गया और हर बार डेथ वारंट जारी होता गया लेकिन उसके बाद फिर उसे खारिज करने की नौबत आती ही चली गई। तमाम दावपेच दोषियों के वकील की तरफ से लगाए गए और तमाम दावपेचों का नतीजा ये रहा कि निर्भया के जो माता पिता हैं उनकी मां की तरफ से कहा गया कि वो कानून जो सजा देता है वही सजा नहीं दे पा रहा है। सिस्टम पर निर्भया की मां ने सवाल उठाए थे और अब दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति की तरफ से खारिज कर दिया गया है। ये वो केस था निर्भया गैंगरेप का, वो केस था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। सड़कों पर लोग उतरे थे, न्याय की गुहार लगाई गई थी और 7 साल से लंबा वक्त निर्भया के माता पिता ने न्याय की आस में बिता दिया। बार बार कोर्ट जाते रहे, कोर्ट से तारीखें मिलती रही और 3 बार डेथ वारंट भी जारी कर दिए गए लेकिन हर बार दोषियों के वकील की तरफ से कानूनी पैतरे बखूबी इस्तेमाल किए गए और डेथ वारंट भी खारिज हो गई। और अब स्थिति ये बनी है कि लोग जानना चाहते हैं, आम जनता जानना चाहती है कि आखिर निर्भया के दोषियों को सजा कब मिलेगी। निर्भया केस से जुड़ी बड़ी अहम खबर है ये कि दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। दया याचिका राष्ट्रपति तक पहुंची थी और हैरानी की बात यह है कि 4 दोषी हैं, चारों दोषियों की तरफ से दया याचिका अलग अलग भेजी गई। कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था, जिसे कहा जाता है कि हमारा कानून कठोर भी है लचीला भी है, और ये कहा जाता है कि भले ही 100 निर्दोष लोगों को बचाना है, 100 दोषी लोग भी अगर बच जाए तो 1 निर्दोष को सजा ना हो, इसलिए कानून को लचीला बनाया गया। लेकिन यही लचीला कानून लोगों को मुसीबत में डालता नजर आता है। इसी खबर पर हमारे साथ कमल कौशिक जुड़े हैं, हमारे सहयोगी हैं। कमल, जिस तरह से अब ये खबर निकलकर सामने आई है कि पवन की दया याचिका खारिज हो चुकी है, पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर निर्भया को न्याय कब मिलेगा। क्या कहें कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब निर्भया के जो दोषी हैं वो फांसी पर लटकेंगे। बिल्कुल, यहाँ कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि देरी बेशक हो सकती है लेकिन अब वो दिन दूर नहीं। आपने सही कहा कि जब ये निर्भया के दोषी जी, शायद कमल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, बार बार दिक्कतें आ रही हैं। तो आपको बता दें कि निर्भया केस से जुड़ी बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आई है। निर्भया में दोषी पवन ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी थी, इस याचिका को राष्ट्रपति की तरफ से खारिज कर दिया गया है। 4 दोषी हैं, चारों दोषियों को फांसी होनी थी, बार बार फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किए गए लेकिन बार बार कानूनी अड़ंगे दोषियों के वकील की तरफ से अड़ा दिए गए। एक बार फिर से कमल कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कमल, जिस तरह से अब ये खबर निकलकर सामने आई है दया याचिका खारिज कर दी गई है, क्या लगता है जल्द न्याय होगा? बिल्कुल न्याय होगा, बेशक देरी हो, और यही कहावत है कि देर है अंधेर नहीं, और ये अपने न्याय के लिए भी हम कह सकते हैं, अपनी कानूनी प्रक्रिया के लिए भी कह सकते हैं आरती। और इस बात से कतई नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी ताकत इन दोषियों की फांसी को लेकर नहीं रोक सकती है। बेशक कोई भी हथकंडा दोषियों के वकील अपनाते रहे, एबी सिंह ने कई कानूनी विकल्पों का सहारा लिया है और ये भी आप देख लीजिए कि आप ये अंत कह लीजिए विकल्पों का, और उसके बाद एक डेथ वारंट जारी फिर से होगा, उसका इंतजार अब किया जा रहा है क्योंकि पूरा देश जानता है। और देखिए, कमाल की बात है आरती, इस केस में, निर्भया केस में, जहां किसी को भी क्रिटिव पिटीशन
या फिर रिव्यू पिटिशन लोगों के बारे में जो जानकारी होती है लोगों को कानून के बारे में वो इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन निर्भया केस के मामले में देखने को मिला कि जब लोगों ने इन तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, क्योंकि निर्भया केस से जुड़ी बातें थी, आज पूरे देश को मालूम है कि क्यूरेटिव पिटिशन क्या होती है और रिव्यू पिटिशन क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रही है वो सुनवाई क्या होती है, पटियाला हाउस कोर्ट में किस तरह सुनवाई चल रही है, दिल्ली हाई कोर्ट की विशेष जो अदालत बैठती है वो क्या सुनवाई करती है, तो कुल मिलाकर जो लोग हैं वो बातों को समझ रहे हैं और ये भी लोग जानते हैं। अब और जानकारी के लिए बता भी दर्शकों की कि दया याचिका खारिज हो चुकी है, तो समझ लीजिए कि फिर से जो जेल प्रशासन है वो तैयारियां अपनी पूरी कर लेगा, उन तैयारियों के बाद फांसी की जो तारीख है बस उसका इंतजार किया जाएगा कब डेथ वारंट आता है, और दया याचिका खारिज हो चुकी है, नियमों के मुताबिक अब 14 दिन का समय शायद दिया जाए, बाकी जो वकील हैं वो अभी बाहर आते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये देखने वाली बात होगी, दर्शकों को वो प्रतिक्रिया भी हम सुनाएंगे जरूर, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब लगभग 2 हफ्ते के भीतर भीतर ये कह सकते हैं कि शायद इन दरिंदों को इन दोषियों को फांसी दे दी जाए। बिल्कुल कमल, एक तरफ पूरा देश इंतजार कर रहा है कि निर्भया के दोषियों को सजा मिले, लेकिन दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि इस केस ने पूरे देश के सामने कानून को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की जो मांग है वो ज्यादा उठने लगी है, कानून के जो लूपहोल हैं कि न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है इसको लेकर सिस्टम पर भी सवाल उठने लगे हैं, देश में एक आंदोलन का सा माहौल है, लोग चाहते हैं जल्द न्याय हो, क्या कहेंगे, क्या अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल ज्यादा खड़े नहीं होने लगेंगे? देखिए, हम अगर इमोशनल तरीके से देखें तो बिल्कुल ये सही आपकी बात है, लेकिन अगर कानूनी पहलू से देखें तो एक मुजरिम है, गुनहगार है, उसके पास ये राइट्स है, अधिकार है कि वो हर विकल्प को देखे, वो अपने आप को बेकसूर या बेगुनाह बताने के लिए हर कानूनी विकल्प का सहारा लेता ही लेता है। इस मामले में तो बहुत ज्यादा देखिए चीजें आगे तक चली गई हैं, और एपी सिंह जो कि रातों रात खुद कहते हैं बैठकर मैंने तमाम चीजों को देखा परखा है, कानूनी किताबों को पलटा है, उनके जो पन्ने हैं वो इतिहास के भी देखे हैं, कई केस भी देखे हैं, और उनको देखते हुए उन्होंने ये तमाम विकल्प जो तलाशे हैं उसके अनुसार ही बार बार इन दोषियों को ये मौका मिल जाता है कि ये फिर से डेथ वारंट को आगे बढ़ाने में कामयाब हो चुके हैं। तीसरा डेथ वारंट आपको मालूम है जारी हुआ था और वो भी अब आगे बढ़ चुका है, अगले डेथ वारंट की तारीख कब होगी, क्या इंतजार है, कितना लंबा इंतजार है, देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो दया याचिका उसका इंतजार किया जाता है, इसलिए निर्भया के दोषियों को जो फांसी होनी थी वो चली, इसी वजह से चली, सुप्रीम कोर्ट से भी क्यूरेटिव पिटीशन की खारिज होने की बातें सामने आ चुकी थी, ये खबर हमने दर्शकों को दिखाई थी, और पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास लंबित थी जो की अब लंबित नहीं है, खारिज हो चुकी है, क्यूरेटिव पिटीशन पहले सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है, कोर्ट को तिहाड़ जेल प्रशासन से यह सूचना मिली थी और कोर्ट को तिहाड़ जेल प्रशासन ने कह भी किया था कि पवन गुप्ता ने राष्ट्रपति के पास याचिका भेज दी है, कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को 3 मार्च को होने वाली फांसी जो होनी थी वो टाल दी थी, उसी के बाद इस पर सबकी निगाह थी क्योंकि राष्ट्रपति कब इस याचिका को खारिज करते हैं, और निर्भया के दोषी अब फांसी के फंदे से बच नहीं सकेंगे, इतना तो जरूर है आरती, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता होगा, लेकिन बस इंतजार है कि कब वो दिन आए और कब निर्भया की माँ भी कहे कि हाँ मुझे और निर्भया को इंसाफ मिला। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो निर्भया केस से जुड़ी बड़ी खबर है, दोषी पवन की दया याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है, एक बार फिर उम्मीद बंधी है कि जल्द न्याय होगा।